स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देखिए, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो वर्कर्स जो अपने यूनियंस बनाते हैं या अपने ग्रुप बनाते हैं अपने एम्प्लॉयर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए और अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए एम्प्लॉयर से। तो ये जो यूनियंस बनाते हैं या जो ग्रुप्स बनाते हैं वो सभी जो हैं ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर जो हैं आते हैं। द ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज पास्ड इन 1926 अंडर द टाइटल ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट एंड वॉज ब्रॉट इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1927 बाय ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, ये जो एक्ट है ये 1926 में जो है बनाया गया था और इफेक्ट जो है ये 1 जून 1927 से हुआ है, जब इसको ऑफिशियल गजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसमें इसको नोटिफाई किया गया था। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1947, 1960 एंड 1962। सब्सिक्वेंटली द वर्ड इंडियन वॉज डिलीटेड फ्रॉम द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964। इस एक्ट में टाइम टू टाइम जैसे जैसे इंडस्ट्रियल जो है प्रोग्रेस हो रही है कंट्री में या चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी प्रोविजंस किए गए हैं, जिसमें 1947, 1960 और 1962 में प्रोविजन अमेंडमेंट किए गए थे। फिर 1964 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें इसमें इंडियन वर्ड हटा दिया गया था और ये जो एक्ट है अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के नाम से जाना जाता है, विच केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1965, जो कि 1 अप्रैल 1965 से जो है एप्लीकेबल हुआ। ए कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड यूनियंस अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1982 और काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं उसके बाद एक अमेंडमेंट जो है इसमें हुआ था, जो कि 1982 में जो है इस एक्ट को पास किया गया था। सेकंड हम इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज एसोसिएटेड विद द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियंस। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। ट्रेड यूनियन 1926 जो है वो वर्कर्स के जो यूनियंस होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन और उनकी जो है लीगल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है प्रोविज़न करता है। इसमें जो मेन प्रोविजंस हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस तरह से हैं, टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स। पहला जो इस को बनाने का जो पर्पज़ है इस एक्ट को वो ये है कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है एम्प्लॉयर्स द्वारा वर्कर्स का उससे उनको बचाया जाए, उनको एक संगठित या एक ऑर्गेनाइज्ड जो है प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के अपने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट जो है एक एक्शन ले सकें, उन पर प्रेशर बना सकें। और इंडस्ट्रियल पीस जो है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी भी है कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है वर्कर्स को डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को रखने का वो उसको प्रोवाइड कराया जाए। टू रिप्रेजेंट द ग्रेवियंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन बिहाफ ऑफ देम ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें जो है वर्कर्स को जो भी ग्रेवियंस जो है एम्प्लॉयज को मिलना है ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट वो कैसे प्रोवाइड होगा, वो प्रोवाइड कराया जाए इसका एक प्रोविजन रखा गया है। टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द राइट ऑफ द वर्कर्स प्रोवाइडेड टू दैम अंडर द एम्प्लॉयमेंट क्लोज और लेबर लॉज। देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड ऑफ द राइट ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनके जो है सेफ गार्ड करना, उनको प्रोटेक्शन देना जो है, और साथ साथ जो है उनको अंडर द एम्प्लॉयमेंट क्लोज और लेबर लॉज जो है उनको लीगल जो है रेमिडीज अवेलेबल कराना, ये सब जो है इस एक्ट का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ है टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। जो वर्कर्स हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में वो इंक्रीज करना। टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द वर्कर्स डूइंग इन इनडिसिप्लिन एक्ट, और डिसिप्लिनरी एक्शन लेना वर्कर्स के अगेंस्ट
अगर वो कोई इनडिसिप्लिनरी एक्ट करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिया जा सके आसानी से, उनको जो है डिसिप्लिन मैनर्स में काम कराया जा सके, ये भी एक जो है ट्रेड यूनियंस का जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेड डिस्प्यूट्स। इसके लिए सेक्शन 2 क्लॉज जी में इसमें प्रोविजन रखा गया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को क्या माना जाए। देखिए, जो ट्रेड यूनियंस बनाई जाती हैं और जो ट्रेड यूनियंस जो हैं काम करती हैं, वो जो है अपने अपने जो राइट्स होते हैं, जो जो उनके जो हैं लीगल जो राइट्स हैं, जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो वर्कर्स के अगेंस्ट कभी कभी बना दी जाती हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती हैं। और इन्हीं पॉलिसीज़ या इन्हीं जो हैं डिस्प्यूट्स की वजह से जो है जो डिस्प्यूट्स जो जो इंडस्ट्री में आते हैं वो सभी जो है ट्रेड डिस्प्यूट में काउंट किए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट को डिफाइन करना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन एक रखी गई है वो ये है, ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन। तो इसमें डिस्प्यूट जो है वो इन बिटवीन, जैसे कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एंड थर्ड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, ये रखे गए हैं, एंड एम्प्लॉयर कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट और नॉट एम्प्लॉयमेंट और द वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड। तो इस तरह से जो है वर्कर्स के बीच में या वर्कर्स मालिक के बीच में या वर्कर और वर्कर के बीच में जिस तरह के भी डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और नॉट एम्प्लॉयमेंट हो, वो सभी जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट में यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। इसके बाद है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस वो ट्रेड यूनियंस होंगी जो अंडर दिस एक्ट जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके लिए सेक्शन 2 क्लॉज ई में रखा गया है प्रोविजन, ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सिंपली मीन्स ए ट्रेड यूनियंस विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सिंपली मीन्स ए ट्रेड यूनियंस विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इम्प्लीमेंटिंग ऑल द क्लॉजेज ऑफ द एक्ट। यानी जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है 1926 जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग, और इसके सभी जो है क्लॉजेस का इम्प्लीमेंटेशन करके बनाए गए हैं, वो सभी जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में काउंट की जाएंगी। सम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस आर, इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि कोई जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है उनका एग्जाम्पल हम अगर हम देना चाहें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस AITUC नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन NLO एक्सेट्रा जो है वो सभी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का एक बेस्ट एग्जांपल्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रेड यूनियंस रजिस्ट्रेशन। अगर हमें ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट जो होंगी वो हमें पूरी करनी है। तो फर्स्ट इसमें आता है मिनिमम 10% वर्कमैन आउट ऑफ टोटल वर्कमैन फॉर सेम इंडस्ट्री शुड बी मेम्बर्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मिनिमम 10% जो वर्कर्स होंगे इंडस्ट्री के टोटल वर्कर्स में से, वो उस ट्रेड यूनियन का जो है वो मेंबर होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जिस दिन जो है उसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा हो। मिनिमम 7 वर्कमैन आउट ऑफ द टोटल वर्कमैन फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कम से कम 7 वर्कर जो हैं टोटल वर्कमैन जो हैं इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो इस ट्रेड यूनियन के जो है मेंबर होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, तो फर्स्ट में तो ये था कि सबसे पहले जो है सेम इंडस्ट्री में जो है कम से कम 10% मेंबर जो है टोटल वर्कमैन का इसमें जो है ट्रेड यूनियन में मेंबर होने चाहिए, और टोटल जो है इंडस्ट्री के जो है 7 वर्कर जो हैं कम से कम इस ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कमैन इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट मस्ट बी एटलीस्ट 70 टू अनेबल देम टू फॉर्म ए ट्रेड यूनियन एंड गेट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। और जो स्ट्रेंथ की बात आती है तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जहाँ पर ये ट्रेड यूनियन जो इस्टेब्लिश की जा रही है मस्ट बी एटलीस्ट 70, कम से कम 70 जो है वहाँ पर होनी चाहिए टू अनेबल देम फॉर्म ए ट्रेड यूनियन, एक ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए और उसको रजिस्टर कराने के लिए अंडर दिस एक्ट। तो इस तरह से ये मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए फॉर्म करने के लिए जो है
एज पर जो है एक्ट जो है वो पूरी करनी होती है।